सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रसोई चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन रसोई चैनल में। हमारी आज की रेसिपी है घर पर पनीर कैसे बनाएं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये रेसिपी सीखते हैं। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, अभी हम इसमें दूध डालते हैं। यहाँ पे मैंने भैंस का दूध लिया है 2 लीटर। आप जब भी पनीर बनाएंगे तो भैंस का दूध का ही इस्तेमाल कीजिए, इससे पनीर बहुत अच्छा बनता है। अभी हम गैस ऑन कर लेते हैं और दूध को अच्छे से उबाल आने देते हैं। दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है, अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से इसे खारापन आ जाएगा और हमारा पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अंदर लेमन जूस डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लेमन का जूस लिया है, अभी हम इसमें 1/2 कप पानी डालते हैं। पानी डालने से पनीर अच्छे से फट जाता है। अभी हम लेमन जूस को पानी के अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लेमन जूस डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अभी हम दूध को फाड़ लेते हैं। इसे इसी तरह से हिलाते रहिए जब तक दूध अच्छे से फट नहीं जाता है। हमारा दूध फट चुका है, ये देखिए ये अच्छे से फट चुका है। अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है और नीचे एक बाउल रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर सूती कपड़ा डालेंगे, मैंने कपड़े को गीला करके लिया है। अभी हम इसके ऊपर पनीर डालेंगे। अभी हम इसे इस तरह से इसे कपड़े से लपेट लेते हैं और इसे प्रेस करेंगे, जो बाकी पानी है वो भी निकल जाएगा। इस तरह से मैंने पानी निकाल लिया है, अभी हम इसे धो लेते हैं पानी से ताकि जो खट्टापन है वो निकल जाए। पानी डालने से जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाएगा और हम इसे फिर से बांध के रखेंगे। फिर से हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं। अभी हम इसकी गांठ बांध लेते हैं। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे, जो बाकी पानी है वो भी निकल जाएगा। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से प्रेस किया है। अभी हम इसके ऊपर एक डिश रख लेते हैं इस तरह से उल्टी करके
और हम इसके ऊपर वजन रखेंगे। वजन ज्यादा भी मत रखिए नहीं तो पनीर हमारा कड़क हो जाएगा। अभी हम इसे 10 मिनट ऐसे ही रखने देते हैं। दस मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और हम इस पनीर को इसके अंदर रखेंगे, ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे। आइस डालेंगे, ये डालने से हमारा पनीर ड्राई नहीं होगा। इस तरह से दूसरे बाजू से पलट के हम इसे पानी में 1-20 मिनट रखेंगे। और ये पनीर का बचा हुआ पानी आप इसे सूप भी बना सकते हैं, या फिर आप पनीर की सब्जी बनाएंगे उसके साथ चावल बनाएंगे तो उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने पनीर को ठंडे पानी में रखा था, अभी हम इसे निकाल लेते हैं और इसे एक प्लेट में रखते हैं। और अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से बना है, अभी हम इसे कट करेंगे। अभी हम पनीर को कट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाइए। ये देखिए कितने बढ़िया से बनाए ये। अभी हम इसे दूसरी साइड से कट कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट बना है हमारा पनीर। बहुत बढ़िया से बनाए हमारा पनीर, ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाए। तो हमने सीख लिया कि घर पर पनीर कैसे बनाते हैं। घर पर इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आप इसे मटर पनीर बना सकते हैं, इसे मटर पनीर मसाला, पनीर टिक्का, या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।